भाई साइंटिस्ट के हिसाब से दुनिया गोल है, इस मामले में तेरा क्या कहना है? भाई मेरे हिसाब से भी दुनिया गोल है। भाई कैसे? भाई देख, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है, आदमी औरत से डरता है, और औरत चूहे से डरती है, तो हुई ना दुनिया गोल। अच्छा, लड़कियां अपने सिर के सारे बाल बांध लेंगी, बस 10-12 बाल छोड़ देंगी, उसको दिन भर ऐसे 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 करती रहेंगी। लड़कियों, हाथ नहीं दुखता तुम्हारा? अरे यार, क्या हाल है? ओए होए, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अरे यार छोड़ ना। तेरे कपड़े? अरे यार छोड़ ना। आज तो सारी लड़कियां इसी में मरेंगी। अरे यार छोड़ ना। छोड़ ही तो रहा जब से। अबे यार, स्मार्टफोन चला चला के ना मम्मी भी बिगड़ चुकी है। क्यों, क्या हुआ? अबे यार, कल ना मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे ना नींद नहीं आ रही। तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी कहती एक काम कर, बुक खोल ले, नींद क्या मौत भी आ जाएगी तुझे। जोर का चुन। भाभी जी, ये प्रसाद इतना कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है? हाँ भाई, सब कड़वा तो मुझे भी लग रहा है। क्यों सखी, ये प्रसाद इतना कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है? अरे बेवकूफ, मैं सैनिटाइजर था, हाथ धोने के लिए दिया था प्रसाद खाने के पहले। भाई मुझे आईफोन 12 लेके दो ना। क्यों, तूने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरा सीना चौड़ा हुआ हो? भाई भगवान ने भी कितनी कमाल की चीज बनाई है ना, जीप। भाई ऐसा क्यों? भाई देख, हमारी जीप के अंदर एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी यही जीप हमारी सारी हड्डियां तोड़वाने का दम रखती है। तेरे बोला कैसे? मुंह से साले, बोला छूना नहीं, छोड़ना। अरे अरे, क्या हुआ? रुकती रहो। अरे मेरे भाई का कुत्ता बोला। कुत्ता कहाँ है तुम्हारा भाई? ये रहा, कुत्ते जैसे तो लग रहा है। भाई तुझे पता है, जिस बार में मैं जाता हूँ ना, उसके सामने तालाब है। कल ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मैं बाहर जा रहा था, तालाब के सामने एक अंकल बैठे थे छड़ी लेकर, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल इतनी बारिश हो रही है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई फिर अंकल ने क्या बोला? भाई अंकल बोले, बेटा मैं तो मछली पकड़ रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा, अंकल आपका दिमाग खराब है, और इतनी बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगे, चलो चलो मेरे साथ बाहर चलो। भाई उसके बाद? भाई फिर मैंने उनको थोड़ी सी विस्की पिलाई, दो पैग मैंने लगाए, दो उन्होंने लगाए, माहौल से बन गया। फिर मैंने उनसे पूछा, और अंकल आज सुबह से कितनी मछलियां फंसी? भाई फिर अंकल जी ने क्या जवाब दिया? भाई अंकल बोले, तुम 8वीं मछली हो बेटा। जोर का झटका। भाई तुझे पता है, हमारे देश में दो ही बिस्किट फेमस हैं। भाई कौन कौन से? भाई एक मैरीगोल्ड और एक पार्ले जी। भाई ऐसा क्यों? भाई एक चाय में जाता नहीं, और एक जाता है तो बाहर आता नहीं। अनु, एक शीशा लेके आ जिसमें मैं मेरा फेस देखूं। अभी लेके आई। Few moments later. क्या हुआ, शीशा कहाँ है? शीशा तो बहुत मिले, बस सब में मेरी शक्ल दिख रहा है। भाई हम तेरे इतने पुराने दोस्त हैं, आप दोस्तों में कुछ बोल दे यार। हाँ अच्छा यार। भाई भाई जो पूरे शरीर को महका दे उसे इत्र कहते हैं। वावा, वावा। जो पूरे शरीर को महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो पूरे करियर की वाट लगा दे उसे मित्र कहते हैं। अबे भाई, हमारे इंडिया और बाहर के देश के लोगों में क्या फर्क है? भाई बाहर के देश के लोग टीचर से कहते हैं कि आप हमारे बच्चे की बस केयर करना और उसको प्यार से रखना, रिजल्ट डजंट मैटर फॉर अस। और इंडिया के लोग? भाई हमारे देश के लोग, आप इसे मारिए, पीटीएस की खाल उतार दीजिए, हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, बस मार्क्स अच्छा आने चाहिए। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारा नाम पूछना चाहूंगा। जी लैला। मेरी छोटी बहन का नाम भी लैला है, छोड़ दिया जाए इसे। अब तुम्हारा नाम क्या है? जी नाम तो मेरा कल्लू है, पर प्यार से लोग मुझे भी लैला ही बुलाते हैं। यार भाइयों, मैंने जिंदगी को जितना जिया है या फिर जाना है ना, तो मैंने जिंदगी के बारे में 5 सच पता लगाया है। भाई कौन कौन से? भाई माँ के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, किसी गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं, और इज्जत पैसे की है, इंसान की नहीं। और जो शख्स आपका सबसे यार अपना होता है ना,
वो ही सबसे ज्यादा दुख और दर्द देता है।